कल के एपिसोड में जहां एक तरफ राखी सावंत आगे बढ़ने के लिए जैस्मिन वजीर को समझा रही थी, तो वहीं जैस्मिन जो है वो पुरानी बातों से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। और आखिरकार अब ये बात और ये लेवल कितना जा रहा है, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वह आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में कल जब बिग बॉस का एपिसोड आ रहा था तो मेकअप चल रहा था घर के अंदर, क्योंकि फैमिली वीक जो है आपको देखने को मिला है। और इस फैमिली वीक में हर कोई जो है वो तैयार हो रहा था, जिसमें जैस्मिन वजीर, निकी तापोली और राखी सावंत दोनों ही जो है वो तैयार हो रहे थे। और उस दौरान राखी सावंत जैस्मिन वजीर को कह रही थी कि अगर वो बात खत्म हो चुकी है तो उस बात को खत्म होने के बाद में आगे बढ़ो। तो जिस पर जैस्मिन कहती है कि देखो मैं वो चीज नहीं भूल सकती कि आपने मुझे मेंटली किस तरीके से टॉर्चर किया है, और जिस भी तरीके से आपने चीजें करी है मैं वो चीज नहीं भूल सकती हूँ, और मैं उस चीज के लिए सॉरी भी नहीं फील करती हूँ। तो यानी कि जब सलमान खान के सामने जब बात हुई थी, सलमान खान के सामने माफी मांगने वाली चीज हुई थी, क्या जैस्मिन ने जस्ट वो दिखावा किया था या सीरियसली यहाँ पर जैस्मिन ने जो है वो राखी से माफी मांगी? और जैस्मिन ऐसा लगता है कि वहीं की वहीं उनकी सुई जो है वो वहीं की वहीं अटक गई है, वहां से उनकी सुई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि अब जैस्मिन को आगे बढ़ना चाहिए एंड उनको एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए? वेल, आप लोगों की राय जो भी हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।